नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारे चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक, जहां हम हर रोज मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए ढेर सारे वीडियोस लेकर आते रहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आज एक बड़ा ही मज़ेदार और सिक्योरिटी के लिहाज से एक वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें कि आपको बताएंगे कि कैसे हम अपनी पर्टिकुलर वेबसाइट का, किसी पेज का, किसी इंटरफेस का QR कोड बनाकर जो है हम अपने साथी को या जिसे भी हम जेन्युइन वेबसाइट या पेज भेजना चाहते हैं उसे हम QR कोड की फ़ोटो भेजेंगे और उस QR कोड की फ़ोटो की मदद से वह इंसान आपकी उस पर्टिकुलर जेन्युइन वेबसाइट को, पेज को, जो भी आप जिस चीज़ का QR कोड भेज रहे हैं उसको वो एक्सेस कर पाएगा। इसके फ़ायदे क्या होंगे दोस्तों? इसके फ़ायदे ये होंगे कि एक तो हम जो है और किसी डेटा पर और किसी वेबसाइट पर, पेज पर जाने से बचेंगे, हमारा समय भी बचेगा और हम उस एग्जैक्ट वेबसाइट पर जाकर अपना काम कर पाएंगे जिस वेबसाइट से हमें काम करना है। देखिए, मैं आपको यहीं पर डेमो दिखाता हूँ। मान लीजिए ये मेरा पेज है, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, आप देख सकते हैं, ये वीडियोस हैं, ये सभी हैं। अभी मैं चाहता हूँ किसी को कोई मेरे चैनल को मान लीजिए सर्च नहीं कर पा रहा है, मेरा चैनल नया है और हम चाहते हैं कि ये पेज का हम QR कोड बनाकर और किसी को सेंड करें और सेंड करने के बाद वो इंसान यहाँ से उसको स्कैन करे और हमारे वीडियोस को देख पाए, चैनल को सब्सक्राइब कर पाए जिस तरीके से आप लोग करते रहते हैं। हमें करना क्या है, देखिए दोस्तों, ये पेज है, यहाँ पर मुझे राइट क्लिक करना है। मैंने राइट क्लिक किया, राइट क्लिक के बाद आप ऑप्शन देख रहे होंगे, गूगल क्रोम ने कुछ दिनों पहले ही ये एडिट करके और अपडेट करके दिया है। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये लिखा हुआ है क्रिएट QR कोड फॉर दिस पेज, इस पेज के लिए आप QR कोड बना सकते हैं। तो हम इस पर क्लिक करते हैं। देखिए, ये मैंने क्लिक किया और ये देखिए दोस्तों, सामने ये जो है QR कोड आ गया है। आप इसको एक बार ये पढ़ सकते हैं, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, ये पूरा यहाँ पे जो एड्रेस बनाया है https सिक्योर वेबसाइट है, YouTube पर ये चैनल सी टेक्नोलॉजी विद विवेक और पब्लिक वीडियोस, मतलब कि ये जो टेक्नोलॉजी विद विवेक चैनल है उसके वीडियोस के पेज का हमने QR कोड बनाया है। अगर दोस्तों आपने इसके साथ QR कोड के S को भी अगर मिटा दिया तो ये QR कोड जो है जेन्युइन नहीं रहेगा और इस पेज का QR कोड यहाँ से जो है चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों, ये हमारा QR कोड बन गया है। अब हमें करना क्या है, हमें इसको सिर्फ यहाँ से डाउनलोड कर देना है। देखिए, ये हमने डाउनलोड कर दिया है, ये हमारे कंप्यूटर में सेव हो गया है। मैं आपको यहाँ क्लिक करके दिखा देता हूँ। देखिए, ये इसकी कॉपी आ गई है, ये QR कोड है। अब इस QR कोड को आप जो है अपने दोस्तों को, जिसको भी आप देना चाहते हैं उसे आप देंगे, वो इसको स्कैन करेगा और स्कैन करते ही डायरेक्ट क्या ओपन होगा, ये हमारे जो है हमारा पेज ओपन होगा हमारे चैनल का। तो दोस्तों, ये तो हो गई पहली चीज़। अब मान लीजिए हमें किसी कॉलेज की वेबसाइट या मान लीजिए हमें कहीं कोई एग्ज़ाम फॉर्म भरना है, कोई ऐसी चीज़ है जो हम एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद भी हमें दिक्कत आती है। मान लीजिए हमें इस जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर ही कोई काम है और ये हमको देना है जो एक्सेस नहीं कर पा रहा है उसके लिए, तो हम इसका भी राइट क्लिक करके QR कोड पर जाएंगे, क्रिएट QR कोड फॉर दिस पेज, QR कोड बनाएंगे। देखिए, ये आ गया है www.bugopal.ac.in/1068, ये इसका होस्टिंग नंबर होगा, इसके बाद ये होम। तो दोस्तों, ये आ गया है यहाँ पर इसका QR कोड। अब इसको डाउनलोड करेंगे, आप जिसको भी भेजेंगे वो इसको स्कैन जैसे ही करेगा तो ये बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। मान लीजिए दोस्तों, आपकी कोई वेबसाइट है, वेबसाइट एक्सेस करने में दिक्कत आ रही है, जैसे मान लीजिए हमारा ये फेसबुक पेज है, हमारे चैनल का फेसबुक पेज है, बहरहाल आप इसको जो है लाइक भी कर सकते हैं, इस पर भी हमारे चैनल के सारे कंटेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसका मान लीजिए हमें QR कोड बनाना है दोस्तों, तो हम जो हमारा दोस्त या कोई इसको नहीं देख पा रहा है, नहीं एक्सेस कर पा रहा है नाम से, तो हम इसका भी यहाँ पे राइट क्लिक करके QR कोड बनाएंगे और QR कोड, ये QR कोड बन गया है, इस QR कोड को डाउनलोड करेंगे और सेंड करेंगे। तो दोस्तों, इसके जो मैंने आपको फ़ायदे बताए, एक तो हमारा समय बचेगा, दूसरी बात हमारा जेन्युइन काम, जेन्युइन वेबसाइट पर जाके हम काम कर पाएंगे, सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि आपने देखा होगा इंटरनेट पे डेटा इतना बढ़ रहा है, पायरेसी आ रही है, नकली चीज़ें आ रही हैं, सेम नाम की हजारों चीज़ें हैं, हमें समझ में नहीं आता है, इसी कारण से हमारे फ्रॉड बढ़ते हैं ट्रांजैक्शंस के मामले में। आप लोगों ने काफ़ी सारा ऐसा न्यूज़ चैनल्स में और न्यूज़पेपर्स में सुना होगा कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के नाम पर ठगी करी जाती है, सेम नाम की वेबसाइट बना दी जाती है, सेम कलर की, सेम कंटेंट की वेबसाइट बना दी जाती है, आप लोग उस पर फर्जी रजिस्ट्रेशन करते रहते हैं क्योंकि आपको पता नहीं चलता है, और सबसे ज़्यादा
परेशानी जब आती है जब हमारा इंपॉर्टेंट डेटा उन लोगों के पास चला जाता है और जो हम ट्रांजेक्शन्स करते हैं पैसों के साथ वो अभी उनके पास चले जाते हैं और बाद में पता चलता है कि वो वेबसाइट फर्जी थी। तो दोस्तों इस QR कोड की मदद से जो गूगल क्रोम ने प्रोवाइड कराया है इसकी मदद से काफ़ी हद तक हम एग्जैक्ट जो है इंफॉर्मेशन एग्जैक्ट वेबसाइट पर पेज पर जाकर जो है हमारा काम कर पाएंगे और ये बहुत ज़्यादा दोस्तों मुझे लगता है आने वाले समय में यूजफुल होने वाला है सिक्योरिटी और प्राइवेसी से रिलेटेड। तो दोस्तों ये था हमारा छोटा सा वीडियो, इसमें हम आपको बता रहे चाह रहे थे कि कैसे अब जो है हम गूगल क्रोम की मदद से इंटरनेट की दुनिया में इन सभी चीज़ों को जो है QR कोड की मदद से और ज़्यादा उनको सेफ सिक्योर कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। थैंक यू।